राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 के डीडीए फ्लैट्स में एक सरफिरी महिला का वीडियो सामने आया है और इस महिला ने एक डिलीवरी बॉय को महज एड्रेस पूछने पर कई बार चाकुओं से वार कर घायल कर दिया। घटना दरअसल राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 की है, जहां पर गोलू नाम के एक डिलीवरी बॉय ने जिस वक्त महिला से एड्रेस पूछा उस वक्त महिला भड़क गई। महिला का कहना था कि उसने आखिर उससे ही एड्रेस क्यों पूछा, किसी और से क्यों नहीं पूछा, और महिला ने एक के बाद एक कई बार ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया। डिलीवरी बॉय को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद पुलिस को फोन किया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची पुलिस के ऊपर भी उग्र होती हुई महिला नजर आई। महिला की उम्र 42 वर्ष है और महिला द्वारका सेक्टर 23 के डीडीए फ्लैट्स में किराए के मकान पर अकेली रहती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि महिला जब भी घर से बाहर निकलती है वो अपने साथ चाकू लेकर निकलती है, ऐसा उसने अपने बयान में खुद कबूल किया है। वहीं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 के डीडीए फ्लैट्स की सोसाइटी के लोगों का कहना है कि महिला का स्वभाव काफी ज्यादा उग्र है और वो पहले भी कई लोगों से बेवजह लड़ाई कर चुकी है, आए दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा करती है और उलझती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार तो इस महिला ने हद ही कर दी। ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय जिस वक्त डिलीवरी देने आया था सोसाइटी में, उसे एक घर नहीं मिल रहा था, उसने अचानक इस महिला से घूमते हुए पूछ लिया कि एड्रेस कहाँ है और इसी पर महिला ने चाकू निकाल कर शख्स को ताबड़तोड़ कई बार वार कर घायल कर दिया। गनीमत रही कि वहाँ आसपास के लोग पहुंच गए और उन्होंने शख्स को बचा लिया और द्वारका के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। हाल फिलहाल क्योंकि मामला महिला से रिलेटेड है, दिल्ली पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन महिला से शुरुआती पूछताछ करने के बाद महिला को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़ित शख्स का भी बयान सामने आया है जिसका नाम गोलू है। उसने बताया कि दरअसल जिस वक्त उसने महिला से एड्रेस पूछा, महिला पहले गाली गलौज करने लगी, महिला ने उसे पीटा भी और उसके बाद चाकू निकालकर ताबड़तोड़ वार करने लगी। महिला ने डिलीवरी बॉय की स्कूटी को गिरा दिया, उसकी स्कूटी को चाकू से पंचर करने लगी और चाबी निकालकर झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद महिला एक ईंट उठाकर ले आई और पीड़ित की स्कूटी को तोड़ने की कोशिश करने लगी और इसी बीच लड़के ने शोर मचाया, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और महिला को शांत करने की कोशिश करने लगी, जिस पर महिला गाली गलौज पुलिस के साथ भी करने लगी और महिला कांस्टेबल को भी पकड़कर उसके बाल खींचने लगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की बहादुर महिला कांस्टेबल ने इस महिला पर किसी तरह काबू पाया है। सेक्टर 23 द्वारका में आईपीसी की धारा 186, 323, 332, 336, 353 और 427 के तहत डिलीवरी बॉय पर हमला करने वाली 42 साल की इस महिला पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और महिला को हाल फिलहाल तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।